खिसकते पहाड़, बरसती चट्टानें, उजड़ते पेड़, धंसती सड़कें, ढहते मकान। ओ माय गॉड, दो हजार तेईस की इन तस्वीरों को सुंदर, शांत और सर्द शिमला की पहचान से उलट उसके नामोनिशान मिट जाने के खतरे की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ये गया गया पेड़। जिन पहाड़ियों पर बारिश की बूंदें संगीत बनकर सुनाई देती थी, वहां मूसलाधार बारिश का मतलब अब मुसीबत और मौत हो चुकी है। मगर ऐसा हो क्यों रहा है? जो हो रहा है वो प्राकृतिक आपदा भर है या फिर बीते 200 सालों में विकास की बौराई गति से विनाश के सफर का परिणाम? मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि नगर नियोजक निश्चित रूप से इस बात को सोचे कि शिमला को कैसे बचाया जा सकता है। जिस तरह से अनियंत्रित निर्माण यहां हुए हैं, पता नहीं नक्शे पास हुए कि नहीं, मैंने इस बात को नहीं जानता हूं, लेकिन जिस प्रकार से हुए हैं, पहाड़ियां कच्ची हैं, इस नाते आगे के संदर्भ में भी निर्माण इत्यादि को बहुत सोच समझ करके उसके नक्शे पर विचार किया जाना चाहिए कि वो कहां बसने लायक है वहीं पर बसाना चाहिए, जहां नहीं बसने लायक है वहां को किसी न किसी स्तर पर रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। 2022 तक शिमला में किसी भी साल भूस्खलन की 16 से ज्यादा घटनाएं नहीं हुई, लेकिन साल 2023 में सिर्फ 24 जून से 24 अगस्त के बीच ही 48 जगहों पर भूस्खलन और 500 से ज्यादा पेड़ गिरने से 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। शिमला की श्रृंखलाबद्ध 7 पहाड़ियों में से एक समर हिल की पहाड़ी से 14 अगस्त को हुए भूस्खलन में सबसे ज्यादा 21 लोग मलबे में दब गए। मलबे की चोट से साल 1880 में अंग्रेजों के बनाए हुए राष्ट्रपति निवास की दीवार भी गिर गई, जिसे 1964 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान बना दिया गया था। यहां सैलाब में भी बड़े बड़े पेड़ बहते देखे गए। गौर करने वाली बात यह है कि हर हादसे में नुकसान की सबसे बड़ी वजह 40 से 60 मीटर लंबे देवदार के पेड़ों का उखड़ना और गिरना बना। 14 अगस्त को ही भागले इलाके में भूस्खलन के साथ कई बड़े पेड़ गिर पड़े, जिसकी चपेट में आए 4 घरों के 5 लोगों की मौत हो गई। 15 अगस्त को कृष्णा नगर इलाके में एक साथ 6 घरों के धराशायी होने की वजह भी पेड़ों का उखड़ना बताया गया, जो इस वीडियो में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शिमला में देवदार के करीब 57,000 पेड़ हैं। जानकारों का कहना है कि
कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने देवदार के इन पेड़ों की उम्र पूरी हो चुकी है और बूढ़े हो चुके ज्यादातर पेड़ों की जड़ें भी आसपास के निर्माण से हिल चुकी हैं, जो तबाही की वजह बन रही है। ये देख सकते हैं आप हालात घरों के, घर के ऊपर ये देखिए, घर के ऊपर पेड़ गिरा है और इतनी बुरी तरह से गिरा है। गनीमत ये रही कि घर टूटा नहीं, घर टूटा जरूर लेकिन पेड़ अंदर नहीं गया और पेड़ इतना बड़ा और इतना भारी था कि घर से आधी तरफ जाकर गिरा। और ये देख सकते हैं आप, उसके बाद विशेषज्ञ बुलाए गए, पेड़ों को काटने वाले खान जिनको हम कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर इन पेड़ों को काटा। ये हालात और पेड़ों का वजन आप देख सकते हैं, इतना मजबूत घर था लेकिन कंक्रीट की दीवारों को तोड़ते हुए ये पेड़ अंदर जा रहे हैं और इतने जोरदार तरीके से पेड़ गिर रहे हैं कि घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बड़ा नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि ये लोग अपने घरों में नहीं जा रहे हैं जब तक इन पेड़ों को नहीं काटा गया। इतने बड़े और विशाल काय पेड़ घरों के पास हैं, यही लगातार प्रशासन से इनकी मांग है कि इन पेड़ों को काटा जाए और जल्द से जल्द जो खतरा इनके मकान के ऊपर बना हुआ है, इनकी झोपड़ियों के ऊपर बना हुआ है, उसको टाला जाए। हमारे यहाँ पे देवदार ट्री है, देवदार ट्री की जो उम्र रहती है वो आप कह सकते हैं कि 100 से 300 वर्षों तक होती है और अभी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा साल हो गई है। हमने नए पेड़ नहीं लगाए हैं लेकिन पुराने पेड़ काटने के लिए हर कोई जोर डाल रहा है। और जब पेड़ इस तरह का, जो बुजुर्ग पेड़ है, जो बड़ा उम्र का पेड़ है, उसके एक्सपोज करने से, कंस्ट्रक्शन करने से उसकी जो पकड़ने की क्षमता है, भूमि पकड़ने की क्षमता कम हो जाती है और जिसकी वजह से ये ऐसे जगह पे, काफ़ी जगह पे पेड़ जो है लैंडस्लाइड का कारण बना। एकदम कंस्ट्रक्शन पूरा ख़त्म, बंद होना चाहिए। यहाँ के जो फॉरेस्ट है, जंगल हैं, इनको रक्षा के लिए पूरा कोशिश होना चाहिए जिससे कि फॉरेस्ट बचेगा तो पहाड़ बचेगा, पहाड़ बचेगा तो शहर बचेगा। मगर यहाँ जंगल नहीं बल्कि उनके बीच बने घरों को बचाने के लिए पेड़ों को काटने का काम हो रहा है। प्रशासन ने 350 पेड़ों को खतरनाक घोषित कर कटाई की अनुमति दे दी है। सवाल इसे लेकर भी है कि घर बनाते वक्त पेड़ों को काटने की इजाज़त नहीं दी जाती, मगर उन्हीं घरों से जड़ों को नुकसान के चलते जब वही पेड़ घरों के लिए खतरा बन जाते हैं तो उन्हें काटने की परमिशन मिल जाती है। और फिर एक पेड़ जो था वो सड़क की तरफ बिल्कुल डाउन हो गया था और एक हमारे घर के साथ बिल्कुल लग रहा था पेड़। फिर हमने रिक्वेस्ट की मेयर साहब से, उन्होंने आगे DFO मैम भी आए थे और उन्होंने फिर हमारी रिक्वेस्ट करने पर सारे कॉलोनी के लोग जो हैं, और फिर कल जो है 16th को ये पेड़ दोनों कटवाए हैं। लेकिन एक पेड़ जो है अभी भी है, नुकसान जो होगा भी अपने आप में ही बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। जब ये कहना कि हम दरख्त नहीं काटने देंगे और कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे, तो जब भी डिगिंग होएगी ज़मीन की और उसमें हिल कटिंग होएगी तो अपने आप ही दरख्त कमज़ोर हो जाएंगे और सूनर और लेटर जब वो घर के ऊपर बेंड करने लगेंगे तो लोग डर के मारे जब कहेंगे कि हमारे घर पे ये पेड़ गिर सकता है, तो उस वक्त TCP, उस वक्त स्टेट अपने आप एकदम से, जैसे अभी अलाउ कर रहे हैं कि कोई भी अपने घर का दरख्त काट सकता है, उसी तरह से उस टाइम पे सारे दरख्त काटने की परमिशन दे देंगे। तो इट्स अ वेरी हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट कि हम दरख्त नहीं काटेंगे लेकिन फॉरेस्ट एरियाज में कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे। सो इट इज़ एक्चुअली यू नो अलाउइंग कंस्ट्रक्शन इन फॉरेस्ट एरिया मीन्स अलाउइंग कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट एरिया। शिमला के कैथू, जक्कू और समर हिल समेत कई इलाकों में कई सड़कों में पहले दरारियां, दरारें हर रोज बढ़ रही हैं और सड़क धंस रही है। बीते कुछ सालों में सड़कों का निर्माण भी तेजी से हुआ, गलियों की सड़क चौड़ी हो गई, मुख्य सड़क 2 लेन से 4 लेन और 4 लेन हाईवे को पहाड़ काटकर और चौड़ा किया जा रहा है। भूगोल के प्रोफेसर और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पूर्व VC DD शर्मा कहते हैं कि पहाड़ों पर 30 से ज्यादा की ढलान पर निर्माण नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री से ज्यादा एंगल की कटाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यहां 80 से 90 डिग्री तक पहाड़ों की कटाई आम हो चुकी है। वहीं कटाई और खुदाई के बाद वैली साइड के इलाकों को गलत तरीके से भरा जा रहा है। पहाड़ों में रोड्स बन रहे हैं वो दो तरह से, या तो आप जो है हिल साइड की कटिंग करेंगे
या जो वैली साइड है, जो नीचे वाला पोर्शन है, उसको हम भरते हैं। और जब वैली साइड को हम भरते हैं तब भी उसका जो लोड बढ़ता है, लोड बढ़ रहा है उसमें, और एक जो कैपेसिटी होती है किसी भी स्लोप की, वो लोड सहने की जो क्षमता होती है, जब उसको वो भार सहने की क्षमता से ज़्यादा भार पड़ता है, उससे ज़्यादा लोड हो जाता है, तब इस तरह की घटना होती है कि उसका डाउनफॉल होता है। और सभी जगह पे पूरे प्रदेश में जो वैली फिल हुआ है वहाँ पे वो बहुत जगह पे लैंड सब्सिडेंस और लैंड स्लम्पिंग हुई है। और जहाँ पे ये जो हमारी हिल साइड कटिंग हुई थी वो क्योंकि जगह कम होने की वजह से और शायद खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि एरिया ज़्यादा आता है, तो बहुत वर्टिकल कटिंग की है। पहाड़ों के लिए वैसे कहा जाता है कि हमारे को 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे पहाड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जो पूरे हाईवेज के अलोंग देखेंगे आप 80-90 डिग्री पे भी पहाड़ कटे हैं, जिसकी वजह से ये घाटी में अतिरिक्त दबाव के चलते तो पहाड़ों के ऊपर राख, मलबे और सालों पहले भरी गई हल्की मिट्टी पर हो रहा निर्माण भी घरों के धराशायी होने की वजह बन रहा है। कृष्णा नगर में एक पेड़ के उखड़ने के बाद गिरे 6 घरों की तस्वीर याद दिलाते हुए प्रोफेसर बीडी शर्मा बताते हैं कि यहां इन घरों के साथ राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान की पिछली दीवार भी लूज जमीन पर बनी थी, जिसकी बुनियाद ही पहाड़ के सख्त हिस्सों तक नहीं पहुंची थी। ऐसे घर भला कब तक खड़े रह सकते हैं? शिमला की कच्ची पहाड़ियों पर निर्माण का इतिहास देखें तो कहानी 19वीं सदी के शुरुआत से आरंभ होती है। अठारहवीं सदी के अंत तक यहां घने जंगल के बीच सिर्फ जाखू मंदिर और इक्का दुक्का कच्चे घर हुआ करते थे। माना जाता है कि श्याला देवी के नाम पर गांव का नाम शिमला रखा गया था। ১৮০৪ में नेपाली गोरखाओं ने कांगड़ा के किले पर आक्रमण किया था। युद्ध में सिखों के हाथों गोरखाओं की हार हुई और भारी नुकसान हुआ। भागते हुए गोरखाओं ने शिमला की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। अर्की को राजधानी बनाकर गोरखा पहाड़ी राज्यों पर जुल्म ढाने लगे। पहाड़ी राज्यों के शासकों ने अंग्रेजी हुकूमत से मदद की गुहार लगाई। 1814 से 1816 तक चले एंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखाओं की हार हुई। सुगौली संधि के तहत मार्च 1816 से पूरा इलाका अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। 1819 में अंग्रेज लेफ्टिनेंट रॉस ने शिमला में एक लकड़ी का कॉटेज बनवाया। 1822 में ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने मौजूदा विधानसभा के पास पहला पक्का घर बनवाया। 1819 में दूसरे अंग्रेज अफसर भी छुट्टियां बिताने आने लगे। 1827 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट भी शिमला के दौरे पर आए थे। 1829 में अंग्रेजों ने शिमला को छोटी शिमला से जोड़ने वाला पुल बनवाया। 1830 में अंग्रेजों ने शिमला के आसपास की जमीनों का अधिग्रहण किया। 1832 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक और शेर पंजाब महाराणा रंजीत सिंह के दूतों के बीच शिमला में पहली राजनीतिक बैठक हुई। शिमला के बारे में लॉर्ड बेंटिक ने कर्नल चर्चिल को लिखा था, शिमला लुधियाना से केवल 4 दिनों की पैदल दूरी पर है, पहुंचने में आसान है और हिंदुस्तान के जलते हुए मैदानों के मुकाबले एक बहुत ही स्वीकार्य पनाह साबित होता है। 1830 से 1840 के बीच शिमला थिएटर और कला प्रदर्शनियों का केंद्र बन गया। 9 सितंबर 1844 को शिमला में क्राइस्ट चर्च की नींव रखी गई। 1851 से 1852 में तिब्बत तक रोड और ढली सुरंग का निर्माण हुआ। 1863 में तत्कालीन वायसराय जॉन लॉरेंस ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। 1876 में
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने शिमला शहर के विस्तार और नए निर्माण की योजना शुरू की। अंग्रेजों के समय का जो शिमला था वो कम लोड था, कम बिल्डिंग्स थी, कम पॉपुलेशन थी, क्योंकि उन्होंने उसको हिल स्टेशन के रूप में 25-30 हज़ार लोगों के लिए प्लान किया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ गई है। यानी आज शिमला शहर पर सिर्फ आबादी का भार ही 10 गुना ज्यादा है। अंधाधुंध निर्माण के साथ पहाड़ और पेड़ों की कटाई का खतरा अलग। तबाही के बाद शिमला की ग्रीन और कोर एरिया में निर्माण रोकने की आवाज फिर से उठने लगी है, जिस पर साल 2017 में एनजीटी की रोक के बावजूद सरकार लगातार नए डेवलपमेंट प्लान बनाने और नए निर्माण की मंजूरी के लिए लड़ रही है। डीसीपी ने कुछ अच्छे रूल पास किए थे कि वनों को एकदम रक्षा के लिए ग्रीन बेल्ट संरक्षण, और ये कोर एरिया जहाँ सबसे खतरनाक है, पहाड़ सबसे ज़्यादा नाजुक हो गया, वहाँ पे बैन लगाया गया। ये तो बैन एरिया, और बाकी सारे शिमला में इतना जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो गया उसको बंद करने के लिए 3 मंजिल से ऊपर नहीं, ये 2000 साल में लगा था। तो मगर यहाँ के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड लॉबीज हैं, जिनके पास ग्रीन बेल्ट और कोर एरिया में ह्यूज लैंड हैं, वो टीसीपी के अंदर से इसके खिलाफ कर रहे थे। तो इसी को लेकर एनजीटी में केस चालू हुआ। पर्यावरणवादियों ने कहा कि शिमला में एकदम खतरनाक कंस्ट्रक्शन बहुत हो गया है, खतरे से बचने के लिए इस पर रोकथाम लगाया जाए। तो फिर एनजीटी ने एक कमेटी बैठाया, एक्सपर्ट, नेशनल लेवल का एक्सपर्ट कमेटी। तो उन्होंने जैसे कि उसमें वाडिया इंस्टीट्यूट, हिमालयन जियोलॉजी का इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिस्ट थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी। हाँ, तो फ्यूचर में ऐसा है कि अभी हमारा यही सवाल है कि शिमला में कंस्ट्रक्शन एकदम बंद नहीं करने से, अभी तो नेचर बोल दिया कि वो और कोई लोड नहीं ले सकता। मगर ये भी हकीकत है कि साल 2023 में मानसून ने पूरे प्रदेश समेत शिमला में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य में 24 अगस्त को 804 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 41% ज्यादा है, जबकि शिमला में 987 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 103% ज्यादा है। उसमें भी सबसे ज्यादा बारिश जुलाई और अगस्त के सिर्फ 10 दिनों में हो गई, जो तबाही की बड़ी वजह बनी। जुलाई में अगर हम 4 दिनों की बात करें, जो 8, 9, 10, 11 जुलाई, इन 4 दिनों में जो कुल मानसून की बारिश हिमाचल में होती थी उसका 1/3 केवल 4 दिनों में हो गया। तो जब इस तरह की बड़ी तेज़ गति से कम समय में ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से भूमि कटाव और इस तरह की जो लैंडस्लाइड सब्सिडेंसीज की घटनाएँ ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अगर आम आदमी की भाषा में देखें कि अगर हम शावर से पानी गिराते हैं तो वो धीरे धीरे जो है उसका स्प्रिंकल होता है, लेकिन पूरी बाल्टी एक बार उंडेल देंगे तो उसका इम्पैक्ट, उसका नुकसान ज़्यादा होता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, और उससे सबसे ज्यादा असर वैसी ही जगहों पर हो रहा है जहां प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ हुआ है। जानकार कहते हैं तबाही तभी रुकेगी जब प्रकृति से खिलवाड़ पूरी तरह से बंद होगा, और शिमला जैसे प्रकृति की गोद में बसे शहरों पर ये नियम पूरी सख्ती से लागू होना चाहिए। है।
सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने का